अस्सलाम वालेकुम, आप न्यूज़ की टेस्ट ट्रांसमिशन में खुशामदीद। मैं हूं वहाब हसन, शामिल करेंगे आपकी हेडलाइंस। नवाज शरीफ दौरे हुकूमत में लॉबिंग के लिए अमरीकी कंपनीज को खतीर रकम देने का इंकशाफ। वजीर आजम इमरान खान ने नोटिस ले लिया। मुकदमात की पैरवी करने वाले वकीला की फहरिस्त और अदायगियों की तफसीलात भी तलब। अखराजात का ऑडिट कराने का भी फैसला। खिलाड़ियों के इख्तलाफात पर कप्तान का सख्त एक्शन। उस्मान बुजदार और अलीम खान को वर्किंग रिलेशनशिप बेहतर करने की हिदायत कर दी। पंजाब के तमाम महकमों की कारकर्दगी मॉनिटर करने का टास्क भी सौंप दिया। सी पैक जायजा इजलास में मंसूबों पर पेशरफ्त बढ़ाने का हुक्म। सरमायाकारी बोर्ड से चार हफ्तों में तजावीज मांग ली। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी और सदर जनरल असेंबली मारिया फर्नांडा की मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। मारिया फर्नांडा कहती हैं, अफगान अमन अमल में पाकिस्तान का किरदार अहम है। शाह महमूद कुरैशी बोले, कश्मीरियों ने आज़ादी की जिद्दोजहद के लिए 90,000 जानों की कुर्बानी दी। पाकिस्तान हमसायों से अच्छे ताल्लुकात चाहता है। हुकूमत को टफ टाइम देने के लिए अपोजिशन जमातों के रहनुमा पीर को सर जोड़ेंगे। फौजी अदालतों की मुद्दत में तौसी पर बातचीत भी होगी। मिनी बजट का मामला भी जेरे गौर आएगा। ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की हुकूमत पर फिर चढ़ाई। मोहम्मद डैम के कॉन्ट्रैक्ट पर एक बार फिर ऐवान की कमेटी बनाने का मुतालबा कर दिया। कहा 309 अरब का ठेका मुशीर को देना मुफादात का टकराव है। अवाम और मांगे तांगे का पैसा आंखों पर पट्टी बांधकर खर्च किया जा रहा है। मामले पर स्पीकर रूलिंग दे। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल जुबैर महमूद हयात कहते हैं, हमें आजाद कौमों की तरह सोचना होगा। सियाहत, मादनी वसाइल और टेक्नोलॉजी मुल्की तरक्की में अहम किरदार अदा कर सकती है। सीईओ समिट में नेटो ममालिक ने पाकिस्तान की कुर्बानियों को सराहा। आए आसिफ सईद खान खोसा, सन ऑफ सरदार फैज मोहम्मद खान खोसा। Do solemnly swear that I'll bear to true faith and allegiance to Pakistan. I'll discharge my duties and perform my functions honestly to the best of my ability and faithfully. May Allah Almighty help and guide me. Amin. जस्टिस आसिफ सईद खोसा ने कोर्ट रूम नंबर 1 का चार्ज संभाल लिया। हल्फ उठाते ही सदर ममलिकत से मिले। वजीर आजम से 1-on-1 मुलाकात में इंसाफ की फराहमी समेत अहम उमूर पर बातचीत की। मुसल्ला अफवाज के सरबराहन ने भी चीफ जस्टिस को मुबारकबाद पेश की। सुप्रीम कोर्ट पहुंचे तो गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। पहले रोज 3 फौजदारी मुकदमात की समाअत भी की। थरपारकर में गजाई किल्लत से हलाकतों का सिलसिला ना रुक सका। आज मजीद 3 बच्चे मां की गोद से जमीन की आगोश में पहुंच गए। 50 जेरे इलाज, 18 दिनों में हलाकतों की तादाद 36 तक जा पहुंची। अदाकारा ईमान अली ने बाबर भट्टी को जिंदगी के सफर में हम सफर बना लिया। फरवरी में शादी होगी। ईमान अली ने होने वाले शौहर के साथ तस्वीर शेयर की तो मुबारकबाद के अंबार लग गए। बाबर भट्टी निशाने हैदर पाने वाले मेजर अजीज भट्टी के शहीद पोते हैं। और पाकिस्तान सुपर लीग 4 के लिए मद्दाहों का इंतजार खत्म। आज ऑफिशियल सॉन्ग जारी किया जाएगा। ऑनलाइन खिड़की पर इवेंट की टिकटें खरीदने वालों का खिड़की तोड़ रश होगा। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। आप न्यूज़ की टेस्ट ट्रांसमिशन में फिल वक्त इतना ही। मजीद किसी भी खबर से बाखबर रहने के लिए देखते रहिए आप न्यूज़, क्योंकि हम आपके साथ हैं।